महाशिवरात्रि का पर्व शनिवार को आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव की आराधना को लेकर शिव मंदिरों में पूरा दिन दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक सहित कई धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। मंदिर कमेटियों द्वारा महाशिवरात्रि पर्व को लेकर की जा रही तैयारियों को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया गया। फाल्गुन मास में होने वाली महाशिवरात्रि भगवान शिव को अति प्रिय है। यही कारण है कि इस पावन पर्व को लेकर बाड़मेर जिले के शिव मंदिरों में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कहीं शिव विवाह की रस्मों को निभाया जा रहा है तो कहीं मंदिर में सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुजारियों के अनुसार शिवरात्रि से एक दिन पूर्व यानी शुक्रवार को शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शहर के मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर, सुजेश्वर महादेव, पातालेश्वर मंदिर के अलावा सिद्धेश्वर मंदिर, जसदेव तालाब, शिव कुटिया, लोको शिव मंदिर और रोडवेज शिव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भजन कीर्तन के साथ ही भंडारे का कार्यक्रम भी होगा। यहां श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे। सभी मंदिरों में सजावट का कार्य जारी है। कहीं झालर और लाइट लगाई जा रही है तो कहीं तोरण पताका से मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। महापर्व के उपलक्ष्य में मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटने की उम्मीद को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं भी चाक चौवन करी जा रही है। ऑफिसर कॉलोनी स्थित मनोकामना पूर्ण महादेव मंदिर पुजारी गजेंद्र रामावत ने बताया कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि इस दिन मंदिर के बाद जरूरतमंदों को दान कर श्रद्धालु अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। शिवरात्रि भगवान महादेव और देवी पार्वती की पूजा व उनका दीदार श्रद्धालु पूरे मन के साथ कर सके, इसके लिए मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। आरती के साथ ही मेले का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पूरा दिन लोगों का यहाँ अभिषेक के हिसाब से मेला रखा गया है छोटा सा, जिसके अंदर लोग आएंगे और जल चढ़ा के शिव जी से अपनी कामना की पूर्ति के लिए। किस तरह की तैयारियाँ की गई है मंदिर? तैयारियाँ सजावट आप सब लोग देख रहे हैं, जिसकी तैयारी हम पिछले 7 दिन से कर रहे हैं, इस आयोजन की कर रहे हैं और पूरा दिन ये कार्यक्रम चलेगा। रात्रि को जागरण का भी रखा गया है और जागरण के साथ साथ पूरी रात रुद्र अभिषेक का भी कार्यक्रम रखा गया है। पर्व को लेकर मंदिर में रंगाई पुताई चल रही है। इसी मंदिर की तरह पातालेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर में लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। मंदिर को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। भोर से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से महिला और पुरुषों के लिए 2 अलग अलग लाइन लगाने की व्यवस्था की जा रही है।